एक बात कान खोल के सुन लो, कबीरदास जी को सीधे ही लोग कह देते मूर्ति पूजा के विरोधी थे, वो मूर्ति पूजा नहीं मानते थे। ऐसा कहना कबीर जी के स्वरूप को न जानना है, उनका अपमान है कबीर जी का। कबीर दास जी ने कहीं मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। वे इसके विरोधी थे कि आप मूर्ति में तो परमात्मा को स्वीकार करते हैं, बाकी अन्य प्राणियों में परमात्मा का अनुभव नहीं करते हैं, उनसे द्रोह करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनको दुखी करते हैं, उनको उनकी हिंसा करते हैं, और केवल पाषाण में परमात्मा को या किसी धातु में परमात्मा को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार की तुम्हारी मूर्ति की उपासना उपासना के नाम पर पाखंड है। मूर्ति में परमात्मा को स्वीकार करो, पर जिस परमात्मा को तुमने मूर्ति में स्वीकार किया है उसी परमात्मा को चराचर में स्वीकार करो, कण कण में स्वीकार करो। यदि कबीरदास जी मूर्ति पूजा के विरोधी होते तो उनके ठाकुर जी की सेवा के लिए पद्मनाभ जी जल लेने क्यों जाते? और हम आपको पता बताते हैं, राजस्थान में मंडावर एक जगह है जहां संत कबीरदास जी का द्वाराचार्य पीठ है। कबीरदास जी के शिष्य थे श्री निर्गुण दास जी। कबीरदास जी वहां पधारे और उन्होंने सीताराम जी की स्थापना की। कबीरदास जी के द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमा आज भी विराजमान है राजस्थान में मंडावर में। हम दर्शन करके आए दो बार, आप लोग भी जाइए दर्शन कीजिए। हमारे बारह घाट वाले महंत जी महाराज वो उस स्थान के महंत है। स्थान का नाम है निर्गुण दरबार और मंदिर में विराजे हैं सीताराम जी, वो भी अति प्राचीन कबीरदास जी के द्वारा प्रतिष्ठित स्वरूप आज भी विराजमान। मलुकदास जी को लोग कहते हैं, मलुकदास जी मूर्ति पूजा नहीं मानते थे, पाखंड के विरोधी थे, इस तरह की बातें प्रायः लोग लिखते हैं मलुकदास जी को। निर्गुण धारा के संत थे और हमारे वृंदावन मलुक पीठ आइए, मलुकदास जी के सेवित सीताराम जी लगभग 450 वर्ष प्राचीन ठाकुर जी आज भी मलुक पीठ में विराजमान। इससे सिद्ध होता है महापुरुष पूर्वाचार्य कभी मूर्ति के विरोधी नहीं थे। मूर्ति पूजा के नाम पर जो केवल निहित स्वार्थ की पूर्ति का व्यवहार चलने लग गया था उसका उन्होंने खंडन किया। आप भगवान को भोग लगा रहे हो, अच्छी बात है, अब भगवान को भोग लगाकर बढ़िया बढ़िया माल भगवान के नाम पर खा रहे हो और सामने कोई भूखा प्यासा नंगा व्यक्ति बैठा है, वो मांग रहा है कि भगत जी हमको भी कुछ दे दो, तब आप उसको फटकार लगा रहे हो कि तुम्हारा बाप कमा के रख गया था यहां? ये पाखंड है। इसलिए संत मलुकदास जी कहते हैं, मलूक जेते आत्मा, मलूक जेते आत्मा। केवल मनुष्य नहीं, सभी जीवात्मा, पशु पक्षी कीट पतंग तक, मलूक जेते आत्मा तेते सालिग्राम। हमको तो सभी जीव सालिग्राम जी के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। मलूक जेते आत्मा तेते सालिग्राम, बोलन हारा पूजिए पाथर सों का काम।
यदि बोलनहार को नहीं पूजते हैं आप, तो वो पाषाण पूजा है। शालिग्राम प्रत्यक्ष परमात्मा है और वही प्रत्यक्ष परमात्मा शालिग्राम सब जीवों के भीतर विराजमान है। सब में भगवान का अनुभव करो। ये हिंदुओं को कहा मलुकदास जी ने, और मुसलमानों को कहा कि तुम 5 बार नमाज पढ़ते हो, रोजा रखते हो और फिर रोजा खोलते हो तब पशुओं की हत्या करते हो, उनका मांस खाते हो। बोले तो तू 5 बार नमाज नहीं 10 बार नमाज पढ़ो, और 40 दिन रोजा नहीं 80 दिन रोजा करो, किंतु यदि खुदा को तुम सभी जीवों में नहीं देखते हो तो तुम्हारी वंदगी खुदा स्वीकार नहीं करेगा। मुसलमानों को भी वे कह रहे हैं, मलूक सोई पीर है। पीर कौन है? पीर माने गुरु। मलूक सोई पीर है जो जाने पर पीर, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरे की पीड़ा समझता है, अनुभव करता है, वो पीर है। मलूक सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर। वो काफिर है। अब हम आपसे पूछते हैं, कहीं आपको मूर्ति पूजा का खंडन सुनाई पड़ा? संतों की वाणियां, उनके अर्थ को, रहस्यों को समझना संसार के पढ़े लिखे लोगों के लिए भी कठिन है। एक बहुत अच्छे विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष थे, वो भी हिंदी विभागाध्यक्ष थे। उन्होंने संत कबीर जी के ऊपर पीएचडी किया था, डॉक्टरेट किया था। हमारे पहाड़ी बाबा महाराज के पास गए, हमारे सामने की घटना है। तो उन्होंने पीएचडी किया। महाराज बोले क्या होता है पीएचडी, डॉक्टरेट क्या होता है डॉक्टरेट? कहते उन्होंने एक शोध प्रबंध लिखा है, पुस्तक लिखी है, कबीरदास जी के ऊपर शोध किया है, उनकी वाणी साहित्य के ऊपर। महाराज जी हंसने लगे, बोले अच्छा कबीरदास जी को प्रशोध किया? तो कबीरदास जी के वाणी की एक पंक्ति हमारी समझ में नहीं आ रही, उसको समझा दो। आपने तो पीएचडी की ना उस पर? हाँ बोली। तो महाराज जी ने पूछा, दास कबीर की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीजे पानी, बरसे कंबल भीजे पानी। बोले हमारी मनगणंत नहीं है, कबीर जी का जो बीजक है उसकी ये पंक्ति है, आप पढ़ लो। बोले इस तरह की बहुत सी बातें उन्होंने कही हैं सदुक्कड़ी भाषा में, अब उनका कोई क्या आशय है ये तो हम विचार करके बताएंगे। महाराज बोले ठीक है, रात भर विचार कर लो, कल आना, विचार करके बताना, हमको जानना है। दूसरे दिन वो आए ही नहीं, चले गए, जहां रुके थे वहीं से चले गए। हमने कहा महाराज वो तो आए नहीं। बोले आए नहीं वो तो गए। क्यों? कहते उनके पास उत्तर नहीं था। तो महाराज जी इसका अर्थ क्या है, बरसे कंबल भीजे पानी? महाराज जी बोले इसके लिए लंगोटी लगानी पड़ती है, इसका अर्थ समझने के लिए, बरसे कंबल भीजे पानी। योगियों की वाणी है, सिद्ध पुरुषों की वाणी। और फिर महाराज जी ने इसका आशय समझाया कि बरसे कंबल भीजे पानी का आशय क्या है। तो संतों की जो वाणी है उसको हम ठीक से समझते नहीं, और सीधे ही टिप्पणी करने लग जाते हैं कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। अरे भाई तुम कौन होते हो? साग भाजी बेचने वाले से पूछो कि ये नीलम इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी कीमत क्या है, ये पुखराज क्या है, ये पन्ना, तो बताएगा? ये तो बताएगा कि इतने सेर आलू, इतने सेर भटा, इतने सेर टमाटर तो बता सकता है। वो ये नहीं बता सकता, हीरे जवाहरात का मूल्य नहीं बता सकता।
संसार के सामान्य प्राणी भले ही पढ़े लिखे हों पर साग भाजी बेचने वाले जैसे हैं, वे क्या समझ सकते हैं संतों की वाणी? कौन समझेगा संत को? अरे भाई, भगवान जिसको जना देते हैं वो भगवान को जानता है, ऐसी संत जिसे जना देते हैं वह संत को जानता है। बहुत कठिन है महाराज जी, पास में रह जाओगे नहीं जान पाओगे कैसे महापुरुष है। यदि वे जनाना न चाहें तो क्या स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस को जान सकते थे? देखने में एक पागल जैसा व्यक्ति, उनका नाम पता न हो और फोटो आप देख लो तो आपको यही समझ में आएगा कोई अवधूत पागल जैसा आदमी बैठा है सहज। पर उस युवक नरेंद्र को रामकृष्ण परमहंस देव जी ने कृपा पूर्वक अपने आप को जना दिया तो वह एक नवयुवक, नरेंद्र नाम का नवयुवक स्वामी विवेकानंद बन गया। संत सदगुरु भी जिसे जना देते हैं वही उनको जान पाता है, सब नहीं जान पाते भैया। तो असली हीरा क्या है भैया? असली हीरा है भगवान नाम। श्री मलुकदास जी महाराज कह रहे हैं, नाम तुम्हारा नाम तुम्हारा निर्मला निर्मोलक। आज राजकोट के श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के द्वारा प्रेरित संकीर्तन मंडित मंदिर का आज पाठोत्सव है, उनकी वर्षगांठ है, 46वीं या 47वीं वर्षगांठ है, हम समय भूल गए हैं लेकिन वो वर्षगांठ है। तो आज सहज ही हमारा मन संकीर्तन मंदिर में है, सवेरे से बड़े बड़े उत्सव वहां हो रहे हैं और बड़ी याद की जा रही है वहां। ये है नाम ब्रह्म, मोरे मत बड़ नाम दुहूं थे, सगुण ब्रह्म से श्रेष्ठ नाम और निर्गुण ब्रह्म से भी श्रेष्ठ नाम। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामचरित सत कोटि मह लिय महेश जिय जान। नाम सर्वोपरि।